for divine service. And he thinks that his work is worship. So he becomes free and achieve eternal peace and endless happiness. But bhogi, he who believes in his individuation and keep himself isolate, and he who doesn't believe in Godhead and doesn't put himself in his divine life, such kind of person do something, and that work give him its own result into form of transitory happiness and suffering too. And now Lord told that such kind of person who has controlled his mind, senses, and our desire is living in this nine gates city, this human body, but he thinks that neither he is doing nor he is inspiring for doing too. So, Lord told here that we must accept path of yoga. That is very easier to follow and that is very useful for us. And path of knowledge, that path of renunciation, is good and gives same result, but it is very hard to follow. Because for a common man it is very hard to control his mind and desire and senses and, you know, and reside in this body and think that he is nothing, he is doing nothing and he is, you know, no doer. It is very hard. But it is very easy to offer your all action to Godhead and think that whatever you are doing, this divine order, and you are only instrument in the hand of divine. So if you do in this idea, this motive, then you will be free from all kinds of bondage. And you will be free from result of action too. This is a very good idea in Bhagavad Gita. And this process is called Karma Yoga. So, I told you yesterday that Sarva Karmani Manasa Sanyasyaste Sukhamvashi Nau Dware Pure Dehi Naiva Kurvan Nakaryan. Dehi Vashi, वह मनुष्य जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी संज्ञा वशी, विजेता, ऐसा व्यक्ति इस शरीर में सुख से विश्राम करता है और सारा काम करते हुए भी वह यह सोचता है कि न तो मैं कुछ करता हूं न तो मैं कुछ कराता हूं। ये सांख्य योगी की स्थिति है, जो ज्ञान योगी है उसकी ये स्थिति है। और आगे भगवान कहते हैं कि सत्य क्या है, का सत्य तो ये है
कि जो कुछ काम हो रहा है ये प्रकृति के प्रवाह में स्वतः हो रहा है। पूछा गया कि प्रभु क्या संसार के सारे क्रियाकलाप को भगवान करवा रहा है, परमेश्वर करवाता है सब, जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब परमात्मा ही करा रहा है? कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। योगी के लिए ये एक आधार है, अपने अहम कर्तृत्व से मुक्त होने का एक साधन है कि मैं नहीं करता, परमात्मा करा रहा है। लेकिन यथार्थ ये है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु जो परमात्मा है वह लोकस्य इस समस्त प्राणियों का न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फलम सृजति, न तो वह इनके कर्तृत्व को न तो इनके कर्म को और न तो कर्म के फल के संयोग को ही वास्तव में रचता है। परमात्मा कर्म नहीं कराता, परमात्मा कर्म फल नहीं देता। परमात्मा किसी में यानी कर्तापन का निर्माण नहीं करता। भगवान कहते हैं कि ये यथार्थ है। कहा फिर तो सांख्य योगी की दृष्टि यथार्थ है कि जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है, मैं करता नहीं। कहा बिल्कुल सही, उसकी दृष्टि तो यथार्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये रास्ता कठिन है, जब तक वह सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त न हो जाए तब तक इस अवस्था को प्राप्त करना मुश्किल है। लेकिन योगी का मार्ग जो विश्वास का है, प्रारंभ में जो ये कहता है कि ये तो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, ये प्रभु का काम है ये समझ कर कर रहा हूं, या प्रभु मेरे से करा रहा है वो मैं कर रहा हूं, कहिए जो उसकी मान्यता है ये सत्य नहीं। कहा नहीं, सत्य तो नहीं है, लेकिन एक स्तर पर सत्य है। ये सत्य नहीं है, सत्य तो यही है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। का ये स्वभावस्तु माने प्रकृति का ये सारा प्रवाह चल रहा है, उसी में सब हो रहा है। तो प्रकृति का प्रवाह जो है वो तो पुरुष के प्रकाश में, तो प्रकाश में है, प्रकाश में होने के नाते प्रकाशक में कर्तापन तो नहीं आता ना। सूर्य के उदय होने पर कमल विकसित हो गया और भौरे जो कमल में बंद थे वो मुक्त हो गए। तो सूर्य भौरों को मुक्त करने के लिए तो नहीं उदय हुआ, कि हुआ सूर्य कमल को विकसित करने के लिए तो उदय नहीं हुआ, सूर्य का प्रकाश सहज रूप में उदय हुआ। तो सूर्य की उपस्थिति में यदि कमल विकसित हो जाता है और यदि कोई बंद हो जाती है, इसमें सूर्य का कर्तृत्व तो नहीं है। बात समझ, सूर्य के उदय होने पर यदि कमल विकसित हो गया तो इसमें यह तो नहीं कहा जा सकता ना कि सूर्य ने कमल को विकसित किया, ऐसा तो नहीं है। सूर्य की उपस्थिति में कमल विकसित हो जाता है, दिस इज अ डिवाइन लॉ, और कोई अपने आप बंद हो जाती है, ये भी डिवाइन लॉ है। और कमल में बंद भौरे मुक्त हो जाते हैं, ये भी डिवाइन लॉ है। लेकिन इसमें सूर्य का कर्तृत्व तो नहीं है। तो सांख्य योगी मानता है कि सूर्य का कर्तृत्व तो नहीं है, ये तो स्वतः हो रहा है। और कर्मयोगी मानता है कि कर्तृत्व तो नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति में ही तो हुआ ना, उसके प्रकाश में ही तो हुआ, तो उसमें कर्तापन तो नहीं है। लेकिन यदि सूर्य में कर्तापन का भाव मान ही लिया जाए तो सूर्य की क्या हानि है? यदि ये हम मान लें कि सूर्य ने प्रकाश किया, सूर्य ने कमल को खिला दिया, तो सूर्य की कोई हानि हो जाएगी? सूर्य में कमल के खिलाने का गुण या दोष लग जाएगा? बोले नहीं। का इसी रूप से यदि कोई भक्ति मान ले कि ये सब करे करावे आपे आप, परमात्मा ही सब करता कराता है, तो इससे परमात्मा को कोई हानि नहीं होने वाली।
परमात्मा को तो हानि नहीं होगी, लेकिन उस भक्त के लिए एक अवलंबन मिल जाएगा, भक्त के लिए लाभ हो जाएगा। लाभ क्या हो जाएगा कि वो अपने कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हो जाएगा। तो भक्त अपने कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हो जाएगा और भगवान की कोई हानि नहीं है। तो ये कर्मयोग का मार्ग जो है, इसमें कहीं किसी की हानि नहीं है, कहीं खतरा नहीं है, न तो भगवान को हानि है और न तो भक्त को हानि है। और सांख्य योग का मार्ग है तो बड़ा उत्तम, लेकिन कहीं साधक फिसल गया रास्ते से, यानी उसकी बुद्धि थोड़ा सा मलिन हो गई या अशुद्ध हो गई या किसी कारणवश उसमें अहम की अभिव्यक्ति हो गई, फिर क्या होगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सांख्य मार्ग उसके लिए है जिसने उस परम सत्य का अनुभव किया है, इसीलिए उसको सांख्य मार्ग ही कहते हैं। ज्ञान मार्ग, सम्यक ख्याति जिसने प्राप्त कर ली है, वही सांख्य मार्ग ही है, वही ज्ञान मार्ग ही है। इसलिए वहां पर भी कोई ऐसी संभावना तो नहीं है खतरे वाली, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि वो दुखम आप्तुम अयोगत है, का जिनके इंद्रियां संयमित नहीं है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उनके लिए दुसाध्य है, दुखपूर्ण साध्य है। साध्य तो है लेकिन दुखपूर्ण साध्य है। इसलिए भगवान ने कहा कि इसलिए ठीक यही है कि योग मार्ग सुगम है, आम जनता के लिए वही रास्ता ठीक है। तो न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब इसके लिए तीन सिद्धांत है हमारे यहां। परमात्मा करता है, परमात्मा रचयिता है, सृष्टिकर्ता है, आदि शब्दों से परमात्मा को संबोधन किया जाता है। परमात्मा केवल दृष्टा है, वो करता नहीं, वो भोगता नहीं, केवल दृष्टा मात्र है, एक ही दृष्टि है। और परमात्मा न करता है न दृष्टा है, उसकी उपस्थिति में सब कुछ हो रहा है, एक ये तीसरी दृष्टि है। भगवान ने तीनों दृष्टिकोणों का समर्थन किया है। वो कहते हैं ये तीनों दृष्टिकोण जो है, ये तीन स्तर के लोगों का है, तीन स्तर के लोगों का है। क्योंकि जो न्याय शास्त्र में ये बात बताई जाती है कि जैसे दुनिया में कोई भी वस्तु बिना किसी के बनाए नहीं बनती, वैसे ये दुनिया बनी है तो इसका भी कोई बनाने वाला होगा, और जो इसका बनाने वाला है उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर करता है, करते थे नैयायिक, नैयायिक लोग परमात्मा को कर्ता मानते हैं, और सांख्य लोग जो हैं वो परमात्मा को अकर्ता मानते हैं, परमात्मा कुछ नहीं करता, वो असंग है, वो असंग है, इसलिए वो कुछ नहीं करता बिल्कुल। और योगी लोग परमात्मा को दृष्टा मानते हैं, करता तो नहीं लेकिन उसके दृष्टि में सब कुछ होता है, उसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है। तो ये तीन विचारधाराएं हैं। और वेदांत की दृष्टि में तो ये सब उसकी लीला है, लीलावत् कैवल्यम, वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं देखता है, तो उसकी माया का सारा प्रसार है। लौ निमेश मा भुवन निकाया रचे जासु अनुशासन माया, तो अनुशासन माया का एक रचे जे गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बनता। तुलसीदास जी ने तीनों सिद्धांतों को अपनी रामायण में स्थान दिया। अलग अलग स्तर के व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से सोचते हैं, देखते हैं, तो जो जिसकी धारणा हो जिस प्रकार की वैसा वो समझ ले, और जो जिस स्तर पर है उसकी वैसी धारणा बन जाएगी। लेकिन यहां पर भगवान का कथन जो है वो यथार्थ है कि परमात्मा न तो जीवों के कर्म का रचयिता है, न कर्म के कर्तृत्व का रचयिता है, न कर्म फल का रचयिता है, यानी कर्म के फल के संयोग का रचयिता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये प्रकृति अपने आप सारा काम करती रहती है, यानी प्रकृति के प्रवाह में सब कुछ अपने आप होता रहता है। यही बात 13वें अध्याय में बताइए, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्व, यानी प्रकृति ही कर्त्री, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, ऐसा बताया गया। और तीसरे अध्याय में ही बात बताएगी, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमित मन्यते, यानी
आत्मा अपने आप को करता अपनी मूर्ता के नाते स्वीकार करता है, वैसे वो करता है नहीं, कर्तृत्व प्रकृति में ऐसा। अब आगे कहा कि चलो वो करता तो नहीं है और न तो कर्म के फल का सृजक है, लेकिन जब भगत अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हैं तो उन कर्मों का तो भोक्ता होता होगा। भगवान कहते नहीं, ना दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः का। विभु जो है, परमात्मा जो है सर्वव्यापी परमात्मा, न कश्चित् पापं न च सुकृतं एव आदत्ते, वह न तो किसी के पाप को ही ग्रहण करता है और न तो किसी के पुण्य को ही ग्रहण करता है। जो कुछ करो परमात्मा को समर्पित करते चलो तो उसमें परमात्मा की कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो किसी वस्तु ग्रहण ही नहीं करता, किसी के पाप का न भोगता है न किसी के पुण्य का भोगता है। कहा भाई ये बड़ी विचित्र बात है। यहां भगवान कहते हैं कि नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः, और इसी अध्याय के अंत में कहेंगे भोक्तारं यज्ञतः साम सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तमृच्छत्। का भगवान कहेंगे कि मैं समस्त यज्ञ और तप का भोक्ता हूं, और यहां कहते हैं कि हम तो किसी को परमात्मा किसी कुछ घृणा ही नहीं करता। कहा इसमें अंतर क्या है? कहा यहां पर दो बातें ध्यान देने की, ये पांचवें अध्याय में यहां पर विभु प्रभु इन शब्दों का प्रयोग है। विभु प्रभु आदि जो शब्द है वह उस परमेश्वर के लिए है, ब्रह्म के लिए है, जो सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य घन है, सच्चिदानंद घन है। और जहां पर भगवान ने कहा है कि मैं यज्ञ और तप का भोक्ता हूं, वहां पर भगवान ने अपने आप को अधियज्ञो अहम एव अस्मिन ऐसा आठवें अध्याय में बताया कि अधियज्ञ मैं हूं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, तो यहां पर प्रभु विभु आदि शब्द का प्रयोग उस ब्रह्म के लिए है, अक्षर ब्रह्म के लिए, अधियज्ञ के लिए नहीं है। अधियज्ञ तो भोक्ता है, अधियज्ञ जो है वो भोक्ता है, लेकिन परब्रह्म जो है वो भोक्ता नहीं है। यहां पर अभिप्राय है, दोनों के भेद है। तो परमात्मा जो निर्गुण निराकार निरय निरंजन सच्चिदानंद घन है वो भोक्ता नहीं है, वो किसी के पाप और पुण्य से संबंध नहीं रखता, लेकिन जो भगवान है वह यज्ञ और तप का भोक्ता स्वयं को मानता है। भगवान भगवान जो है वो भावात्मक है, ये बात याद रखो, और ब्रह्म जो है वो सत्तात्मक है, तत्वात्मक है, वो भावात्मक नहीं है, वो सत्तात्मक है, तत्वात्मक है, वह है, एग्जिस्ट करता है, उसी से सारा प्रसारा है। इसलिए उसमें उस विशुद्ध चैतन्य घन में कर्ता भोक्ता की भावना नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व के सृजन की भी भावना नहीं है। इसी बात को यहां पर समझाया जा रहा है। और इसको देखते हुए जब हम आचार्य शंकर के सिद्धांत में ब्रह्म और ईश्वर को अलग अलग पाते हैं तो इसको हम गलत नहीं कह सकते। आचार्य शंकर ये कहते हैं कि वह ब्रह्म जो निर्गुण निराकार निरय निरंजन है, उसका जो प्रकाश प्रकृति पर पड़ रहा है, माया पर पड़ रहा है, और उसके प्रतिबिंब के रूप में जो समष्टि चेतन का आविर्भाव होता है जिसको ईश्वर कहते हैं, वह ईश्वर कर्ता भी है, भोक्ता भी है, सृष्टा भी है, दृष्टा भी है, ज्ञाता भी है, सब कुछ वो है। तो आचार्य शंकर ने सारा प्रपंच जो है ईश्वर के हवाले कर दिया और ब्रह्म को उन्होंने निर्विकार यानी प्रतिष्ठित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म तो निर्विकार है और ईश्वर जो है वो समस्त सद्गुणों का आश्रय है, और जीव जो है उसमें सद्गुण और दुर्गुण दोनों हैं, माया जो है त्रिगुणात्मिका है इसलिए उसमें सतोगुण सद्गुण है और तमोगुण रजोगुण दुर्गुण है, ऐसा कहकर के उन्होंने इसकी मीमांसा की। अच्छा, उपनिषदों में हम इस प्रकार के सिद्धांत को देखते हैं जिसमें इसका विवेचन किया गया है, जिसमें ये समझाया गया है, बताया गया है कि वह परब्रह्म परमात्मा ही विराट पुरुष के रूप में आविर्भाव आविर्भूत हुआ और विराट पुरुष ही ईश्वर है,
और विराट पुरुष में ही संकल्प होता है, जिस संकल्प के नाते दुनिया का सृजन होता है। क्योंकि उपनिषदों में जो तदैक्षत एको हम बहुश्याम प्रजायेति एकाकी न रमते सतपम तत्वालोका न सृजत आदि जो वाक्य हैं, यदि ब्रह्म कुछ करता भोगता कुछ है ही नहीं तो फिर ये इन शब्दों का क्या बनेगा, आखिर इनका क्या अर्थ किया जाएगा, उपनिषदों के ये सिद्धांत कहां जाकर टिकेंगे। इसलिए शास्त्रकारों ने समझाया कि उपनिषदों के जो सिद्धांत हैं वो उस ईश्वर से संबंधित है और ब्रह्म जो है वह विशुद्ध चैतन्य घन है, इसलिए उसमें इसकी कल्पना नहीं, ब्रह्म में कल्पना नहीं है, ब्रह्म में जगत नहीं है, ब्रह्म में सृष्टि नहीं है, ब्रह्म सृष्टि का कर्ता नहीं है, ब्रह्म के सकाश में माया प्रकृति जिसे कहते हैं, प्रकृति जब विशुद्ध बुद्धि का आविर्भाव करती है और ब्रह्म का प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ता है तो उसमें स्वभावतः चैतन्य का आविर्भाव होता है और बुद्धिगत चैतन्य जो स्वयं में अहम की धारणा करता है वही ईश्वर नाम से कहा जाता है। और ये बुद्धिगत चैतन्य जो है वही बुद्धिगत चैतन्य सृष्टि का आगे विस्तार करता होता है, सृष्टि का विस्तार जो है। तो यहां पर एक प्रश्न होता है कि सृष्टि का विस्तार फिर बुद्धिगत चैतन्य से हुआ या उस प्रकृति से हुआ जिसने परमात्मा के, जिसने ब्रह्म के चैतन्य अंश को ग्रहण करके स्वयं में उस ईश्वर को जन्म दिया है। ये बात बहुत ही गंभीर है, बहुत गंभीर है और बड़ी सरल है, गंभीर आप लोगों को समझने के लिए हो सकती है, मेरे सामने बिल्कुल ऐसे प्रत्यक्ष है जैसे आप लोग दिखाई दे रहे हो, ऐसे ये सारा तत्व तो इसी रूप से अभिव्यक्त हो रहा है और इसको समझने में समझाने में कोई कठिनाई नहीं। ये अचिंत तत्व जो है वह परमात्मा की अनंत शक्ति है जिसको प्रकृति कहते हैं और परमात्मा की शक्ति जो प्रकृति है उसमें सहज क्षमता है कि वो परमात्मा के चैतन्य घन को स्वयं में ग्रहण कर लेती है, ये बात समझे। और प्रकृति जब सक्रिय होती है स्वभावस्तु प्रवर्तते जिसके लिए भगवान कह रहे हैं, स्वभाव माने प्रकृति, प्रकृति जब प्रवर्तित होती है गतिशील होती है तो उस गतिशील अवस्था में एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में वो चैतन्य घन के प्रकाश को अपने आप में ग्रहण करके उसमें से अहम को उत्पन्न कर देती है। तो वे इस प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, चैतन्य घन को ग्रहण करना उससे अहम को आविर्भूत करना ये स्वभाव जन्य है, इसमें प्रकृति का कोई यानी कर्तृत्व तो नहीं है, प्रकृति कोई योजनाबद्ध ऐसा काम नहीं करती, ये सहज होता है और इस सहज स्थिति में ही समष्टि चैतन्य का, समष्टि बुद्धि में प्रकाशित जो चैतन्य घन है उसका आविर्भाव हो जाता है, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वेद में उसका नाम है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे तो भूतस्य जाता पतिरेक आसी, तो वो हिरण्यगर्भ का आविर्भाव होता है और हिरण्यगर्भ से ही आगे चल करके अनंत सृष्टि का निर्माण होता है, उसी हिरण्यगर्भ को विराट भी कहते हैं, ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुष, तो ततो विराट जायत उस परमात्मा से ही विराट का आविर्भाव हुआ ऐसा जो वेद कहता है उसी की कहानी कहता है। तो यदि मैं ये कहूं कि ये सारा का सारा जो क्रम है ये सृष्टि का इतिहास है एक प्रकार से, प्रकृति और पुरुष की कहानी है एक प्रकार से, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो यहां पर भगवान बताते हैं कि वो जो निर्गुण निराकार निरीह निरंजन परम तत्व चैतन्य घन परमात्मा है, ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम्। उसका किसी के पाप से किसी के पुण्य से कुछ लेना देना नहीं, ये पृथ्वी पर रहने वाला जीव बेचारा क्या पाप करेगा क्या पुण्य करेगा। गंभीरता तो यदि देखा जाए इस अनंत सृष्टि का जो प्रकाशक वो तो परमात्मा, एक हाथ में बैठ कर सोचो आप अनंत सृष्टि का, अनंत ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांड गैलेक्सीज नेबुला जो कुछ है, अनंत ब्रह्मांड का तो प्रकाशक परमात्मा और इस ब्रह्मांड के एक कोने में बिचारी अपनी पृथ्वी, सूर्य मंडल अपना, सूर्य मंडल के कोने में अपनी पृथ्वी,
पृथ्वी पर अपन छोटे छोटे जीव और इन जीवों के किए द्वारा किए हुए कर्म, वो कर्म पाप और पुण्य वो भला परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे, इन कर्मों का क्या वहां अस्तित्व है? परमात्मा के प्रकाश, सूर्य के ही प्रकाश में इनका कोई अस्तित्व नहीं है कि है ना? सोचो, अपन अर्घ दिए तो सूर्य प्रसन्न हो गया है? अपन सूर्य के ऊपर मुंह करके उस पर थूकने लगे तो सूर्य नाराज हो गया? सूर्य क्या अंतर पड़ता है? अपन कोई अस्तित्व है? जैसे अपने इस शरीर में असंख्य जर्म है, असंख्य जीवाणु है अपने शरीर में, जिसको कोश कहते हैं, जीवकोश, सेल जिसे कहते हैं अपन अंग्रेजी में, ये जो असंख्य सेल है उसमें से कौन सेल मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या हो रहा है, अपन को कोई पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता। सेकेंड में कोई ऐसी घटना होती है तो सैकड़ों सेल मर जाते हैं और फिर सैकड़ों सेल नया पैदा हो जाते हैं, वहां पर कुछ पता ही नहीं चलता। इतने बड़े यानी इतने छोटे से शरीर के अपन स्वामी है, अपने को ही नहीं पता चल रहा है। तो उस ब्रह्मांड में परमात्मा के इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में अपन कीड़े मकोड़े की तरह भी तो नहीं है, तो इसके पाप और पुण्य की कल्पना परमात्मा द्वारा कहां से जा सकती है? नहीं जा सकती, नहीं जाएगी। तो इसलिए जहां पर कहा है कि भोक्तारम यज्ञ तपसा, वहां पर वो ईश्वर की बात कही है और सृष्टि क्रम की बात कही है, सृष्टि क्रम का जो चलता है उसकी बात कही है, मनुष्यों के कर्तृत्व की बात नहीं है। और यहां भगवान मनुष्यों के कर्तृत्व की बात कर रहे हैं कि वो जो परमात्मा है चैतन्य घन, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य स्थिति, वो किसी के कर्म बनाने नहीं आता, वो किसी कर्म का फल देने नहीं आता, किसी में कर्तृत्व का निर्माण करने नहीं आता। उसको क्या गरज पड़ी अनंत ब्रह्मांड का अधिपति, उसको क्या पता है? सोचो पहले। इसलिए कर्म न कर्म फल से स्वभाव, तो ये प्रकृति के प्रवाह में सब चल रहा है। और ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु, न तो हमारे पुण्य से उसका कोई मतलब है, न हमारे पाप से। पाप करेंगे पतन अपना होगा, पुण्य करेंगे उत्थान अपना होगा, परमात्मा को क्या लेना देना इससे? यानी जो हम पुण्य करते हैं परमात्मा के लिए नहीं करते, और जो हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा मेरे पाप को, तो पाप का भगवान भोगता थोड़ी है। यानी सूर्य से कहो कि भगवान तुम मेरे अंधकार को खा जा, तो सूर्य कोई अंधकार को खाने वाला है? लेकिन नहीं, लेकिन भगवान का, सूर्य भगवान के एक नाम है, जानते हो, निशाचर, निशाचर नाम है भगवान सूर्य का। निशाचर का अर्थ होता है निशान चरती, जो अंधकार को खाता है। तो सूर्य कोई अंधकार को खाता थोड़ा ही, लेकिन उसका एक नाम पड़ा है। वो तो अंधकार, जहां सूर्य आया वहां अंधकार रहता ही नहीं। सूर्य ने कभी अंधकार का दर्शन किया मेरे विचार से तो नहीं किया होगा, सूर्य ने कभी अंधकार को नहीं देखा। लेकिन हम कहते हैं कि सूर्य अंधकार को खाता है, नष्ट करता है। नष्ट तो तब करे जब कभी उसके सामने कोई हो, तो सूर्य के सामने कभी अंधकार आए नहीं, उसको नष्ट क्या करेगा? तो ये ऐसी स्थिति है कि जिसका समझना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं हमारे पाप को परमात्मा को क्यों हम चढ़ावे भाई, हम अपना पुण्य परमात्मा को समर्पित करें, तुम्हारे पुण्य और पाप से क्या लेना देना? न दत्ते कश्चित पाप न चैव सुकृतम विभु, वह परमात्मा विभु जो सर्वव्यापी है, वो किसी के पाप से और किसी के पुण्य से कोई अर्थ नहीं रखता। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानं तैर्मुह्यन्ति जन्तुः, कहा फिर मनुष्य ऐसा क्यों सोचता है? भगवान कहते हैं अज्ञान के द्वारा उसका ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए वैसा सोच रहा है। अज्ञान के द्वारा, अज्ञान क्या है भाई, जिसने ज्ञान को ढक लिया है, का अंधकार के द्वारा प्रकाश ढका हुआ, इसलिए सोच रहा है अंधकार प्रकाश को ढक ही नहीं सकता। क्या अंधकार कभी प्रकाश को ढक सकता है? बोले नहीं। कहा तो अज्ञान ही आवृतम ज्ञानम का अभिप्राय किया, अज्ञान ज्ञान को आवृत कैसे कर देगा? ये तो असंभव है, ये प्रयोग है ये ठीक नहीं है। क्या नहीं, ऐसी बात नहीं। अज्ञान माने होता है विपरीत ज्ञान, अज्ञान माने अंधकार नहीं। अज्ञान शब्द का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, न कि ज्ञान अभाव। ज्ञान का अभाव अर्थ नहीं होता, विपरीत ज्ञान होता है। जैसे जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना जानना अज्ञान है, समझे? जो वस्तु जैसी है वैसा उसको ना जानना अज्ञान है, और जो वस्तु है उसको ना जानना ये अज्ञान है ना, इसको अज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि अज्ञान तो दुख में हेतु है।
और जो वस्तु है उसको तुम जानते नहीं तो उसमें तुम्हारे लिए कौन सा